के न्यूज, खबरों की नई पहचान। धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर यूपी में हाथरस कांड को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरना में समर्थन के रूप में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बावरी संगोष्ठी मोर्चा, आदिवासी कुर्मी समाज मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा तथा भारत मुक्ति मोर्चा ने भी किया है। इस धरना को संबोधित करते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक धीरज रानी ने कहा कि हाथरस कांड और बलरामपुर कांड में सरकारी सदस्य की बू आ रही है, अतः अभिलंब यूपी में सरकार को बर्खास्त करके वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराएं तथा इस कांड में शामिल अपराधियों को अभिलंब फांसी दिया जाए। आज बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले संपूर्ण भारत के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर एक साथ धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और इस धरना प्रदर्शन को विभिन्न संगठन के द्वारा समर्थन दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, आदिवासी कुर्मी विकास मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा शामिल है। और इस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में जो हमारा हाथरस कांड हुआ है और बलरामपुर में जो जघन्य घटना घटी है उसके विरोध में क्षोभ व्यक्त करते हुए सारे देश भर से हम यही मांग करते हैं कि वर्तमान हाथरस की घटना और बलरामपुर की घटना से यह साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, जो शासन है, वो संपूर्ण रूप से जातिवादी शासन है, जो विशेष वर्गों को जैसे कि मान लीजिए अनुसूचित जाति है या मुस्लिम वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है, इनको जानबूझ के अत्याचार इन पर किया जा रहा है, सरकारी संरक्षण में अत्याचार करवाया जा रहा है।